तो इतना हिचकिचा रहे हो? देखिए चलो ठीक है। क्वेश्चन सिक्स है, एट फिगर है, एक एबीसी जिसमें ये 80 डिग्री है, ये 130 डिग्री है एक्सटीरियर। इसमें हमको एंगल सी फाइंड आउट करना है, ए सी बी और ये बताना है, और एंगल ए भी फाइंड आउट करना है, और ये बताना है कि इस ट्रायंगल की कौन सी दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों को हम देखकर समझ गए, ये लीनियर पेयर है, तो हम इसको लिखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स इक्वल टू 180, ये फाइंड आउट ही करना है, प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि आप लोग स्टडी कर चुके हैं इसलिए बहुत तेजी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 50 डिग्री, सही है? ये एंगल हमको 50 पता चल गया। तो जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा पता करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे, ए बेटा ये कौन है, आयुष? चलिए कोई बात नहीं, समझे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, तीनों वर्टिक्स आते हैं ना, वर्टेक्स, तो वैल्यू रख दीजिए बी वाले 3 डिग्री, उन्होंने फाइंड आउट किया 50 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी हमको। चलिए अब यहां से जिसको बुला रहे हो वो आपके साथ में, चलो कौन है यहां से, आ जाओ आप इसको में जल्दी से, हाँ जल्दी से इस एंगल का वैल्यू निकालो, जल्दी फास्ट जल्दी बेटा, साल को डोंट टेक मच टाइम, थोड़ा समझ में नहीं आया उन लोगों को। ये दोनों ऐड कर दिए तो 130 डिग्री आ गया। अब चलिए आगे, एंगल बी ए सी, डिग्री लगा दो यार अभी, यहाँ ठीक, चलिए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो बी ए सी का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। बहुत अच्छे, गुड। अब देखिए एंगल बी ए सी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, यानी ये भी 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री आ गया। तो अब हम जानते हैं जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड। तो लिख दें कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री, हेंस हेंस इसके सामने की साइड क्या है, बी सी इक्वल टू ए बी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साल तो आप लोग किए ही हैं, इरेज कर दूं? अरे तो कुछ समय लिख नहीं रहे थे क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मतलब कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है? एक तो वो भी तरीका हम लोग जानते थे, अगर हमको ये वाला एंगल पता करना था तो हम ये लिख सकते थे एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो भी आ जाता है ये 50। ठीक है, देखिए यहाँ 130 है, यहाँ 80 प्लस एक्स या जो भी, तो माइनस करते तो 50 डिग्री आता। तो कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि हमको याद होना चाहिए नियम कानून जो भी है। चलिए क्वेश्चन 7 का फिगर बनाते हैं, ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, जिस भी साइड हो, एक साइड 90 है तो दूसरे साइड भी 90 होगा। हाँ सेवन ए बी सी और यहाँ पे सही है। क्वेश्चन सुनिए क्यों बात हो रही है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, एंड ए पी ये परपेंडिकुलर का साइन है, इस तरह से जो लिखा है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, एपी परपेंडिकुलर बीसी,
तो जब AC परपेंडिकुलर BC है तो ये 90 हो गया और इधर भी 90 हो गया, ठीक। उसके बाद एंगल B दिया है 60 डिग्री, तो जो जो दिया है हम लोग पहले लिख लेंगे। और फाइंड करना है एंगल BAP, ये वाला एंगल, एंड ACB। अच्छा ये ACB, चलिए देखिए क्या क्या दिया है। गिवन में सेवन गिवन, AB इज इक्वल टू AC है, तो हम सब जानते हैं जब आइसोसेलस ट्रायंगल है तो साइड्स इक्वल है, उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसके सामने हो गया एंगल ABC ACB इक्वल टू, जब ये मालूम है तो ये भी पता चल गया, एक क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो गया, ठीक। अब क्या गिवन में और है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल गिवन में अभी लिख रहा है एंगल ABB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, और कुछ भी दिया है, बस हम उसको ये एंगल पता करना है ना, तो हम केवल इस ट्रायंगल को देखेंगे, हमको इसी से तो मतलब है, तीन में से दो एंगल का मालूम है वैल्यू 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये निकाल नहीं लेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। नो एंगल एबीपी प्लस एंगल जो जो पता है एक साइड कर दे रहे बीएपी प्लस एंगल, अच्छा ये पता करना था ना, बीपीए और बीए इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए भाई कौन है आगे, दिव्यांका आइए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, वैल्यू क्या क्या दिया है लिखिए जल्दी और सॉल्व कीजिए। जब बार हम भी बोर्ड पर लिख रहे थे ना तो दो चार दिन बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये काफी बड़ी छोटी पड़ जाती थी, बहुत बड़ा बड़ा लिखते थे हम लोग, फिर धीरे धीरे हैबिट में आया भाई। तो ये दिव्यांग का थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, कुछ तो गलती हो रही है, जैसे दिया उसी क्रम में रखो, जिसकी जिसकी जो वैल्यू है रुक जाओ, जिसकी जिसकी जो वैल्यू है यहाँ रखती जाओ। एंगल बी की वैल्यू कितनी है देखो, उसमें फिगर में देखो 60 डिग्री, हाँ, प्लस एंगल पी की वैल्यू, हाँ, प्लस इसको तो फाइंड आउट भी करना है, इसको ऐसे ही लिख दो प्लस लगाकर, एंगल बी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लो अगली लाइन में, ठीक, प्लस एंगल का नाम लिख दो, ये दोनों को ऐड हो गए, ये वाले का नाम लिख दो, डी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका ट्रांसपोजिशन कर दो, जो फाइंड आउट करना है ये तो यही रहेगा, ये उधर जाएगा, हाँ बिल्कुल, कीप साइलेंस, क्या हमसे काम है, काम है। अच्छा चलो ये भी कोई नहीं, चाहे इस साइड से करें चाहे ऐसे करें, आना ऐसे ही, इन्होंने प्लान गैप कर दिया, कोई बात नहीं। ये एंगल ए की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, चाहे इसको हम उधर ले जाते तो उसको भी इधर लाया दिव्यांका ने, तो बड़े वाले को पहले लिख दिया है, ठीक है, मतलब ये स्टेप ऐसे होना चाहिए था, मिरर इमेज ना, कोई बात नहीं, सही है, तो इस तरह से इसकी भी वैल्यू मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका फिगर कुछ इस तरह से है,
ए सी बी ए सी बी और एफ एंगल दिए हुए हैं, ये वाई डिग्री फाइंड आउट करना है, इधर एक्स डिग्री, इधर 40 डिग्री और एक्सटीरियर दिया हुआ है 110 डिग्री। चलिए इस बार कुछ दूसरा रूल भी लगा लेंगे, इसके लिए एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर और इसके लिए लीनियर फिगर। क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई इन पूछ भी रहा है इस ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलस, अब वो तो पता चलेगा बाद में, इफ सो नेम इट्स इक्वल साइड्स, अगर वास्तव में आइसोसेलस ट्रायंगल है तो उन साइड्स का नाम भी लिखना है। गिवन में भाई क्या क्या है देख लेते हैं। हाँ मेरे बच्चे एक ही क्वेश्चन के ये सारे पॉइंट है। क्वेश्चन ए क्यों बोलो, चलिए इसमें गिवन क्या लिखे, जिगर में दिया ही है, क्यों क्या बात है, इसी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर है हम जान रहे हैं, लिख देते हैं एंगल ए बी एक्स ना प्लस एंगल ए सी ए बी सी, अरे बता लीनियर पेयर वाले एंगल्स का नाम बेटा। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड के एंगल को सम करें तो 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर कहां बनता है, जब केस ऐसा हो, ऐसा कोई केस हो, ठीक है, इधर भी बन रहा हो इधर भी बन रहा हो, इसको लीनियर पेयर कहते हैं। उन एंगल्स का नाम बताइए, यहां पे बन रहा है ना वैसा ही, तो इस वाले एंगल का और इसका नाम बताइए, ए बी एक्स और दूसरे का इसी को बोलने दीजिए, इस साइड वाले एंगल का नाम एक्स, क्यों नाम है ना उसका वर्टेक्स, देखो एक वर्टेक्स यहाँ है, एक ये है एक ये है, कोई नहीं सान रही है, वो वर्टेक्स बीच में रहता है ना जिसको फाइंड आउट करना है, तो बताइए कौन सा बीच में रहेगा ना, कहाँ एंगल है ये एक्स वाला, किस वर्टेक्स पर, तो बी को बीच में रखो ना, ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, लिख देंगे आगे ब्रैकेट में लीनियर पेयर, ये आया 110 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। हाँ बोलो बोलो, एक मिनट, सी बी ए बी सही है, हमारा वर्टेक्स बीच में होना चाहिए, ठीक, तो एंगल ए बी सी क्यों क्या बात है, एक दो बच्चे हैं भाई, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70। अब देखो, अब इस ट्रायंगल के हमको ये और ये एंगल पता चल गया, ये पता करना है तो हम पता कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एक तरीका तो हम ये वाला जानते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दो का पता चल गया, तीसरे का माइनस करके निकाल लेंगे। अब एक पहले जो भी हम लोग रूल पढ़े थे उसको करते हैं, कि वी नो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, तो लिख दे क्या एक लाइन, सम ऑफ टू अपोजिट, दोनों तरीके जान लिए हैं आप, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अब तो हर तरह से हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं, कोई भी दिमाग लगाने को कहेगा क्वेश्चन को तो घुमा फिरा कर दिमाग लगा ही दे। चलिए अभी किए, इंटीरियर एंगल्स है एंगल
बीएसी प्लस एसीबी एसीबी इक्वल टू एंगल एबीएस। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वैल्यू पुट अप करते हैं 40 डिग्री, इसकी वैल्यू वाई है, वाई डिग्री कर दीजिए, और इधर है 110। तो y डिग्री इज इक्वल टू 110 माइनस 40 डिग्री, ये आया 70 डिग्री। अब देखो ये भी 70 आ गया, ये भी 70 आ गया, x भी आया 70, y भी आ गया, तो आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। तो इसके सामने की साइड्स भी आपस में, इसके सामने की है, इसके सामने की है, तो चलिए एक लाइन बढ़ा कर लिखिए इसमें, एंगल बी ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 70 डिग्री। हेंस हेंस कर दीजिए, हेंस इसकी अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है, ए बी इज इक्वल टू तो इसमें इसके नीचे एक लाइन बढ़ा दीजिए, जब साइड बराबर है, यस दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, एक लाइन बढ़ा दीजिए, हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब चलिए एक नए चीज को सीखने की ओर बढ़ते हैं हम लोग, समझाना। देखिए एक नया टॉपिक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, लेकिन मतलब आप देखते होंगे कि कोई आइसोसेलस ट्रायंगल है, कोई जो है स्केलिन ट्रायंगल है, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सब में अलग अलग साइड्स होती हैं, ठीक है, या हर एक ट्रायंगल अलग तरह का होता है, लेकिन इन सारे के सारे ट्रायंगल्स पर एक नियम काम करता है। एक तो अभी एंगल्स वाला हम लोग समझे, कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब इसमें जो फिफ्थ में ही हम लोग एक और चीज पढ़े थे साइड्स को लेकर, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी ना एक ट्रायंगल बनता है। अगर ऐसा ना हो तो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। यही देखिए यहां दिया हुआ है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड अब हमारा क्वेश्चन आगे का वर्कशीट है, तो मैं आता हूं जल्दी से, आप लोग लाइन पे बने रहिए, और ये जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग भी लाइन पे बने रहिए, और मैं बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझाया बेटा। कोई ट्रायंगल है, चाहे कोई हो, ए बी सी कोई ट्रायंगल होगा, उस पर ये नियम लागू होगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। और ऐसे ही वो एंगल वाला था कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स शुड बी 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री से कम है या ज्यादा है तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हो सकता है कभी आ जाए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, तो ये भी एक ट्रायंगल बना के ये समझा देना, वर्ड में भी लिख देना कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आगे सीधे अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वर्कशीट थ्री। वर्कशीट थ्री में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स कौन कौन से होंगे, मेजर द साइड्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, मत बोलिए, साइड्स यहां दिए हुए हैं और इसी रूल का हमको यूज करके ये बताना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। वर्कशीट थ्री ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड है, पहले क्वेश्चन का ए दिया है 6 4a, तो हर तरह से चेक करना पड़ेगा ना भाई, अभी ना पता चलेगा कि सब मतलब हर तरह से सम जो है तीसरे वाले से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर हम 6 प्लस 4 10
इट इज ग्रेटर देन ए, हर साइड से ग्रेटर हो गया। अगर हम करते हैं भाई कौन सा, कोई भी ले लो आप, फोर प्लस एट ट्वेल्व कर दिए, इट इज आल्सो ग्रेटर देन सिक्स, जो बच गया उससे देखना है, दो का सम किए तो तीसरे से ग्रेटर है कि नहीं देखेंगे। अब ये और ये सिक्स प्लस एट फोर्टीन, इट इज आल्सो ग्रेटर देन फोर, तो ट्रायंगल इज पॉसिबल। ये लिख सकते हैं कि इट इज फॉलोइंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। चलिए इसी पर बी कीजिए, बी वाला क्वेश्चन 8, 10 और 18। हर तरह से आप मैनुअली अगर चेक कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ज्यादा काम नहीं करना। इक्वल का केस भी गलत हो जाएगा, ग्रेटर होना चाहिए। नहीं तो जब अभी अभी तो आप लोग होने में पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, जब रचना पढ़ेंगे अगली क्लासेस में नाइन्थ वगैरह में या एट्थ में, तो जब बनाएंगे ट्रायंगल तो कटेगा ही नहीं, क्रॉस ही नहीं होगा, क्रॉस पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आप बनाएंगे कैसे? कौन सा नेक्स्ट वाला? नहीं तो हम लोग तो रूल के हिसाब से ही चलेंगे ना भाई, रूल तो यही कहता, रूल तो यही कहता है कि ग्रेटर होना चाहिए तीनों तरह से, बिल्कुल। नहीं नहीं बेटा, हाँ ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल जी। दो क्वेश्चन कर लीजिए सही ढंग से, उसके बाद आप अगर माइंड में कैलकुलेट कर ले रहे हैं कोई बात नहीं है। 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, अब ये तो इक्वल हो गया। यस सर। और फिर 10 प्लस 18 28, ये ग्रेटर है 8 से, और 8 प्लस 18 26, ये भी ग्रेटर है 10 से, ठीक है? तो देखिए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, लिखिए बुलाएंगे बुलाएंगे लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, एंगल इज नॉट पॉसिबल। सी कीजिए, 3, 4 और 10 दिया है साइड, 3, 4 है, ठीक। सी डी कर दीजिए, चलिए सी और डी को लिख दे रहे हैं, इसे ट्राई करिएगा, इसे यस करें। अरे यार ये तो अपना दिमाग लगा सकते हो, साइलेंस। सी क्या बात है, अननेसेसरी। 3, 4, 10 एक ये है, इसे चेक करना है, और एक 35, 38, 40 इन दोनों को चेक करना है, अपने घर पे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, ए पॉइंट ओ, चलिए और ट्राई कीजिएगा, तीन ही क्वेश्चन है, अपने से ट्राई कीजिएगा पहले। ओके थैंक यू।